हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगी। वैसे मैंने ये कई बार आपको बताया भी हुआ है, इसके लिए मैं दो वीडियो भी बना चुकी हूँ। फिर भी जब मैंने आज एक कमेंट देखा शालिनी जहाँ का, इन्होंने पूछा हुआ है हमारा वेट 70 kg है, देन हमें फिजिकल के लिए जाना चाहिए या नहीं। हमने कहा भाई क्यों नहीं, ज़रूर से जाना चाहिए, PET में वेट का कोई रोल नहीं है। लेकिन देन उनका रिप्लाई आता है भाई क्या ही फ़ायदा, वेट को लेकर रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं आपसे वापस कह रही हूँ भाई, ये किसने कह दिया आपको वेट को लेकर PET में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। PET के टाइम पे वेट अगर आपका ओवर है अंडर है तो बस बता दिया जाता है भाई आपका जो वेट है आपने कम कर लेना है, आपने थोड़ा गेन कर लेना है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, मेडिकल DME या RME के टाइम पे मिलता है। DME या RME के टाइम पे ही वेट को लेकर पॉइंट मिल सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, भर्ती से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन फिजिकल के टाइम पे ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला है। इसी तरह से एक और कमेंट था, उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई वेट को लेकर सिलेक्ट किया जाता है क्या? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैं ये बात क्लियर कर दे रही हूँ। PET के टाइम पे वेट को लेकर कोई पॉइंट नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट हाइट एंड रनिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं।